हेलो एवरीवन, विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली आज मैं आपके साथ सो इजी एंड फास्ट टू इंस्टेंट स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मिनटों में बनने वाले हैं। एंड आई एम श्योर आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। एंड इसे एक बार ट्राई करने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। एंड ये इतनी ईजी रेसिपी है फ्रेंड्स कि इसे कोई भी बना सकता है। मिल्क पाउडर बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। अब इसमें 1/2 कप घी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। शुगर सिरप बनाने के लिए पैन में 3/4 कप शुगर डालेंगे। 3/4 कप ही वाटर ऐड करेंगे। शुगर एंड वाटर की क्वांटिटी सेम लेंगे। इसे एक बार स्टर कर लेंगे। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून क्रश्ड इलायची डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो या फिर आप इसे प्लेन भी बना सकते हो। हमें सिरप को स्टिकी होने तक ही कुक करना है, स्ट्रिंग नहीं बनाना है। अब इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ करके मिक्स को स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे सो डेट लम्ब्स ना क्रिएट हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारा मिक्स सिरप में ऐड कर लिया है। अब फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसे कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे। मैंने अब इसका यूज किया है सो डेट मिक्स सिरप के साथ स्मूथली मर्ज हो जाए। अब इसे हम लो फ्लेम पर कुक करते जाएंगे जब तक मिक्स पैन ना छोड़ दें। यहाँ आप देख सकते हो कि मिक्स पैन से अलग होने लगा है। इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। मैंने मिक्स को एक ग्रीस किए हुए प्लेट में निकाल दिया है। अब इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसे पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसे गार्निश करें। अब अपर लेयर को थोड़ा टैप कर लेंगे सो डेट ड्राई फ्रूट अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे 15-20 मिनट रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज में रख सकते हो। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे कट कर लेंगे। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। देन गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। अब चलते हैं इंस्टेंट लड्डू बनाने के प्रोसेस में। इंस्टेंट कोकोनट लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप कंडेंस मिल्क ऐड करके इसका एक नॉर्मल डो रेडी करेंगे, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है और ये 5 मिनट में ही रेडी हो जाती है। एंड इसे बच्चे भी बहुत इजीली बना सकते हैं क्योंकि हम इसे विदाउट गैस ऑन किए ही बना रहे हैं। देखिए मैंने डो रेडी कर लिया है। अब मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे 3 कलर का बनाऊंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे 1 कलर का भी बना सकते हो। पार्ट्स को दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब
अब मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आपको जो कलर पसंद हो आप वो ले सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैं सेकेंड डो को चॉकलेट फ्लेवर का बनाऊंगी, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसके प्लेस पर कोको पाउडर या फिर चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हो। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ऑरेंज डो में से एक स्मॉल पोर्शन लेंगे और इसे हाथों से प्रेस करके लड्डू का शेप देंगे, देखिए इस टाइप से। लड्डू बनकर रेडी है, अब इसे डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लेंगे सो डेट ये दिखने में और भी डिलीशियस लगे। इसे एक प्लेट पर रख देंगे। अब चॉकलेटी डो में से एक स्मॉल पोर्शन लेंगे और इसे लड्डू का शेप देंगे। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। इसे भी डेसिकेटेड कोकोनट से कोटिंग कर लेंगे। इसे भी प्लेट पर रखते जाएंगे। सिमिलरली सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बहुत इजी एंड फास्ट रेसिपी है फ्रेंड्स, तो इस दिवाली इसे जरूर बनाएं और अपनी फीडबैक जरूर दें। देखिए मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये कितने यम्मी एंड जूसी लग रहे हैं। तो गाइस ये हमारा इजी फास्ट एंड यम्मी टू इंस्टेंट स्वीट की रेसिपी, आप इस दिवाली इसे जरूर बनाएं एंड आई होप सबको ये बहुत पसंद आएंगे। देन गाइस इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रेस्मास किचन एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। आई विल बैक विद अनदर रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।